अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो आज की मेरी रूटीन जो है वो मैं गंदम धोने लगी हूँ। आटा ख़त्म हो चुका है तो माशाल्लाह कल से रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि रोज़ा रखने से पहले पहले जो ज़्यादा टफ काम है तो इसे ख़त्म कर लूँ। तो ये गंदम जो थी ना, वो हमारी वो उसमें वो जो होती है सुसरी सी होती है ना, वो शुरू हुई थी। तो दो तीन दफ़ा इसमें वो गोलियां डाली, तो उस दिन मैंने वो गंदम निकाली बाहर, तो उसमें से ना स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने कहा आज मैंने वो ऐसे नहीं साफ करनी, धोनी है। आज मैं ना गंदम धोने लगी हूँ, तो आप भी देखिए। ये मैंने चारपाइयाँ बिछा ली हैं, ऊपर कपड़ा बिछा लिया है, तो गंदम धोती जाऊँगी और इधर सीट पे डाल दूँगी, इधर सूख जाएंगे ये दाने। तो ये मेरे गंदम के लिए दो बिस्तर तैयार किए हैं। अब मैं इधर बैठ के दाने साफ़ करूँगी, धोऊँगी, तो आप भी देखना कितनी जल्दी ये साफ होंगे। हल्की सी स्मेल मुझे महसूस हुई थी, तो मैंने कहा कि इस दफ़ा ना ऐसे नहीं इसे करवाऊँगी, पहले ऐसे धोऊँगी। वैसे भी ये साफ़ हो जाते हैं, मैंने तो पहले भी दो के इस्तेमाल की थी, तो सर्दियों में वो जब दिन हो जाते हैं ना धूप वाले, धूप नहीं होती तो फिर जल्दी सूखते नहीं है दाने। कल से माशाल्लाह रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो फिर रोज़े रखने के बाद इतना जो काम होता है ना वो नहीं मेरे से निकाल होता, फिर यही होता है कि बस बैठ के पढ़ाई कर लूँ। मैंने कहा ये पूरा महीना तो फिर नहीं होगा, तो आज ये ख़त्म कर लूँ अपना काम। ये जो ऊपर वो डांट में सा होता है ना, वो मैंने इधर निकाल के रख लिया है, और ये दो तीन दफ़ा पानी इसमें से निकाला है, तो अब ये देखो माशाल्लाह से कितना साफ सुथरा हो गया है ये पानी भी, और दाने भी साफ़ हो गए हैं। ऐसे इसे साफ करती हूँ। ये देखिए ये मैंने दाने साफ़ कर लिए हैं, तो ये इधर चारपाई की इधर वाली साइड पे ना इधर रख दिए हैं, तो ये पानी सारा नीचे चला गया, चारपाई भी नहीं गीली होगी। तो ये देखिए अब मैं इनको ऐसे बिछा दूँगी इधर। इस तरह जल्दी साफ भी हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो ये देखिए इधर पानी जो नीचे चला गया है चारपाई का, इस साइड से ना ये गीली भी नहीं हुई, तो अब ये सूख जाएंगे। ऐसे ही मैं इसे इनको ना धो के ऐसे ही आगे आगे करती जाऊंगी, ऐसे ही आगे आगे करती जाऊंगी। जब मैंने अपने दाने सारे धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, अब मैं थक गई हूँ, इतनी धूप आ गई है मेरे दाने साफ करते करते।
जो चार पहियों पे दाने आए हैं, एक ये चार पही है, एक इधर ये चार पही है। तो अब ये सारा दिन सूखते रहेंगे, एक दो दफ़ा आके इनको ऐसे दोबारा दोबारा बदलती रहूँगी इसकी शायद, तो ये सूख जाएंगे। देखिए इतनी ज़्यादा धूप आ गई है मेरे काम करते करते, गाड़ी साफ करके मैं फारिग हो गई हूँ। तो अब दूसरा काम जो होगा वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, अभी मैं छत पे थी, अब मैं नीचे जा रही हूँ। और ये मैंने सारा काम कर लिया है, अब ये सब्ज़ी धो के रखी हुई है, ये बनाऊंगी बैठ के। देखिए धूप काफ़ी तेज़ है आज, गंदम की कटाई भी शुरू हो चुकी है, लोग जा रहे हैं। और ये दोपहर का टाइम है, तो खाना नहीं बनाया, सालन नहीं बनाया था, तो सारी माँ आज ना होटल से सालन लेके आ रहा है, तो अब इसके साथ रोटी खाएंगे। यह है तंदूर की रोटियां और तंदूर की दाल। तो बैठ के हम सब अब खाएंगे। पहले प्याज काटेंगे। प्याज भी काटना है? हाँ जी, पापा काट रहे हैं। खाना खा के फारग हो गए थे, तो अब ये मैंने सब्जी धो के रखी हुई थी, तो सब्जी बना रही हूँ। ये मैंने प्याज भी काट लिया है और लहसुन भी छील लिया है, अब ये भिंडियाँ काट रही हूँ। तो भिंडियाँ काटने के बाद फिर मैं सालन बनाऊंगी। ये थी मेरे आज सारे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और शाम के वक्त मैं सालन वगैरह बनाऊंगी, इंशाल्लाह सुबह को रोज़ा भी हो जाएगा। तैयारी है आज सारे घर में ना, वो रोज़े की तैयारी हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला का रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़े रखने की, और रोज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला दे। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और नमाज़ें पढ़ें और रोज़े रखें। तो इस दुआ के साथ वीडियो कैद करूँगी। तो
आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, मैं भी याद रखती हूँ, मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये सब्सक्राइब जो है ना वो फंस जाता है मेरे मुंह में, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।